दिल्ली के कंझावला कांड में मिला सबसे बड़ा सुराग। न्यू ईयर की रात जब हुई वारदात, तब स्कूटी पर दो सहेलियां थी साथ। डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहां से चली गई थी। दोनों सहेलियों के बीच होटल में क्यों हुई लड़ाई? नशे में थी, लड़ाई कर रही थी, वो नशे में थी, जो हमने आसपास के कस्टमर ने भी उनको रोका है कि चिल्ला चिल्ली हो रही है। सवालों के जवाब से क्यों भागी पुलिस? सागर सर, सर एक दो सवालों का जवाब क्यों? सर सर एक दो सवालों का जवाब सर, इसके अलावा सर 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 अगर हादसा हुआ तो सीसीटीवी में कैद क्यों नहीं? दिल्ली में मौत की पहेली सब जानती है सहेली। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूपिका लियाकत है और एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है। आप जानते हैं 1 जनवरी वो तारीख थी जब देश और दुनिया की बाकी सारी खबरों पर मीडिया की नजर थी, लेकिन हमारी नजर देश की बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई देश की राजधानी दिल्ली में उस पर बनी हुई थी। सरकार जागी, प्रशासन जागा, दिल्ली पुलिस को बकायदा इस पूरे मामले में कुछ धारा जो है वो ऐड करनी पड़ गई। और आज जब दिल्ली पुलिस से एबीपी न्यूज सवाल करता है तो महज 1 मिनट के अंदर, 94 सेकंड के अंदर अपनी बात कहकर चल निकलती है। लेकिन दिल्ली पुलिस को उन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे और इसीलिए हम ग्राउंड जीरो पर आ पहुंचे हैं। दीपक, जिसको एबीपी न्यूज ने खोज निकाला था, वो चश्मदीद जिसने बलेनो गाड़ी के नीचे उस लाश को रेंगते हुए घसीटते हुए देखा था, दीपक यहाँ इस वक्त एबीपी न्यूज के कैमरे पर मौजूद है। हमारे साथ पूर्व डीसीपी चोपड़ा साहब भी यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ पेशे से वकील हैं और रुद्र विक्रम जी जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे सहयोगी रवि भी इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम अब जीप में सवार होंगे और वो पूरा जो स्ट्रेच है यहाँ से उस स्ट्रेच उस आखिरी पॉइंट तक पहुंचेंगे जहां पर लड़की की लाश मिली थी, देश की बेटी की वो लाश मिली थी, और इस स्ट्रेच को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। रोहिणी, जहां उस होटल की कुछ सीसीटीवी फुटेज आज देश के सामने आई है, वो यहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं आदर्श मेरे कैमरा पर्सन को बताऊंगी उस इलाके का की तस्वीर आपको बताए। यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर इलाका है, हरियाणा शुरू हो जाता है और मुरथल जिसका जिक्र किया जा रहा था वो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अब मैं चाहती हूँ कि तमाम मेहमान जो है वो यहाँ जीप में सवार हो जाए और दीपक ये बताते हुए कि आपकी दुकान यहाँ किसकी है? ये दूध की डेयरी है मैम, अपने दूध की डेयरी है। आप यहाँ कितनी बजे मौजूद? उस दिन तकरीबन मैं 3:30 बजे से 3:30 बजे के आसपास आ चुका था। आप बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं, आप उस दिन के बाद से ठीक से आप सो भी पाए हैं कि नहीं? सो नहीं पाए मैम, वारदात ऐसी हो चुकी है, वो दिल खंगालने वाली वारदात है और उसी चक्कर में जैसे कल रात को भी मैं 1 बजे सोया हूँ और 2:30 बजे के आसपास मैं दोबारा दुकान पे आ चुका था। परसों भी 11:30 बजे सोए हैं, 2 बजे 2:30 बजे फिर आ चुके थे। बाकी तब तक नहीं सोएंगे मैम, तब तक ये बात अच्छी तरह से अच्छा इंसाफ नहीं होगा, बस न्याय के लिए लड़ना है। दीपक, मैं चाहती हूँ देश के दर्शकों को, एबीपी न्यूज के दर्शकों को और देश के तमाम जनता को आप ये पूरा की पूरी वारदात जो उस दिन हुई थी आप गाड़ी में चढ़े और हमें समझाते चले। आप जरा यहाँ पर मौजूद रहे, आप यहाँ आगे बैठ जाइए, मैं वहाँ, रवि मैं चाहूंगी आप भी हमारे साथ मौजूद रहें। तो अब हम इस जीप में सवार हो चुके हैं, अब धीरे धीरे ये काफिला आगे की तरफ बढ़ेगा। सबसे पहले मैं दीपक से जानने की कोशिश करूंगी कि हुआ क्या और उसके बाद बाकी जो मेरे साथ मेहमान और मेरे रिपोर्टर हैं उनसे बात करेंगे। चलिए सर, आप आगे की तरफ निकलिए, आदर्श आप आगे निकल सकते हैं। दीपक, क्या हुआ था, आप यहाँ पर मौजूद थे? फिर मैम जैसे मैं यहाँ मैंने शॉप खोली थी 3:18 पे,
तो तभी एक बलेनो गाड़ी है स्लेटी कलर की, तो कंजावला साइड से मेरे को आवाज कुछ आई बलेनो गाड़ी से, जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलती है तो आवाज करते हुए चलती है, जैसे फट फट की आवाज आ रही थी। उसने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, मैं देखता ही रहा उसकी तरफ, जब वो मेरे बिल्कुल दुकान के बिल्कुल सामने, जैसे हम जा रहे हैं वो वैसे ही जा रही थी, और बिल्कुल दुकान के सामने आने के बाद नजर आया कि उसके नीचे कोई डेड बॉडी फंसी हुई है। तो जैसे मैंने तभी टाइम वेस्ट ना करते हुए 112 नंबर डायल किया, मां मैम ऐसे ऐसे बात है, कोई बलेनो गाड़ी है स्लेटी कलर में और उसके नीचे कोई डेड बॉडी फंसी हुई है। आप वहां उस वक्त गाड़ी पर ही मौजूद थे? नहीं, मैं अपनी शॉप पे मौजूद था मैम। सॉरी, आप शॉप पर मौजूद थे, गाड़ी आगे निकल चुकी थी, स्पीड क्या रही होगी? स्पीड ज्यादा ज्यादा 20 से 25 की स्पीड थी। हम चल रहे हैं इस वक्त? हाँ हाँ बिल्कुल, ये स्पीड थी मैम, ये 15 की होगी बस, ज्यादा ज्यादा 20 की स्पीड थी, उससे ज्यादा स्पीड थी नहीं। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जैसे मैम से बात हुई, मैम ऐसे ऐसे डेड बॉडी है, ऊपर से नगन है, नीचे से वो कुछ ब्लैक कलर का पहने हुए हैं, उसके पैर आगे कहीं फंसे हुए हैं या बंधे हुए हैं, वो मैं देख नहीं पा रहा था। जैसे फिर उन्होंने बोला हाँ ठीक से, आपसे जल्दी से जल्दी PCR आपसे कॉन्टेक्ट कर रही है। जस्ट 3-4 मिनट के अंदर PCR ने मेरे से संपर्क किया, मैंने बताया जनाब ऐसे ऐसे कोई गाड़ी बलेनो गाड़ी। आपने उस गाड़ी का पीछा नहीं किया, आप दुकान पर ही? नहीं, उस टाइम मैंने पीछा नहीं किया, पहले जिस टाइम पहली बार वो मेरे दुकान के सामने से निकली मैंने पीछा नहीं किया। दूसरी बार दोबारा आई थी? वो आगे जाके तकरीबन पता नहीं कहाँ से जैसे उसने यूटर्न लिया और 10 मिनट के बाद मेरी दुकान के सामने वो दोबारा पहुंची है। मतलब आप कह रहे हैं ये गाड़ी यहाँ से निकली और 10 मिनट बाद यूटर्न लेकर वापस आ गया? 10 मिनट के बाद पूरे 3:30 मिनट मेरी दुकान के सामने वो मौजूद थी दूसरी बार। अच्छा, फिर मैंने जैसे PCR से मेरे पास कॉल आया था, मैंने कॉल किया माँ जनाब ऐसे ऐसे वो PCR वो गाड़ी मेरे दुकान के सामने बिल्कुल अभी भी आई हुई है और उसके नीचे अभी भी डेड बॉडी फंसी हुई है, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी मैंने प्रशासन से बात चल रही थी। वो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी डेड बॉडी, दिखाई दे रही थी गाड़ी की? नहीं, वापसी में मेरे को दिखाई नहीं दी, उसकी जो आवाज थी उससे मैंने अनुमान लगा लिया था कि ये 100 की 100 डेड बॉडी फंसी हुई है अभी, और वो डेड बॉडी की ही आवाज थी। तब मैंने अपनी स्कूटी उठाई और उसका पीछा करने की कोशिश की, मैं उसके पीछे ही लगा रहा, प्रशासन से बात होती रही और उसकी लोकेशन मैं बताता रहा। अच्छा, आप लोकेशन बताते रहे, उसके बाद वापस जो है आपको संपर्क किया उन लोगों ने? हाँ, उनका संपर्क, गाड़ी दोबारा आई, उनका संपर्क बना रहा मेरे साथ, और मेरी शॉप से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर आगे राइसिंग मॉल है कंजावला से पहले, वहाँ से उन्होंने फिर से गाड़ी को यूटर्न कर लिया है, कुतुबगढ़ के साइड फिर से चल रही है जैसे अब हम चल रहे हैं ऐसे ही। तो तकरीबन वहाँ मेरी दुकान पे आने के बाद मैंने स्कूटी को अपनी को जैसे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आप गाड़ी यहाँ पर रोक लीजिए भाई साहब, आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगा रखा? सीट बेल्ट नहीं होती मैम इसमें, इसमें सीट बेल्ट नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए इसको यहाँ साइड में रोक दीजिए, अगर सीट बेल्ट नहीं है तो हम यहीं पे रुकेंगे और यहीं पर हम बातचीत करेंगे। हाँ, तो हल्का सा आगे यहाँ पे रोक दीजिए, आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए था ना भैया, गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं है, कैसे हो सकता है ऐसा? खैर, अब यहाँ पर गाड़ी को रोक लीजिए आप, मुझे अचानक ध्यान आया आपने सीट बेल्ट लगाया या नहीं, लेकिन आप अच्छा, और ये आपको इलाका पता है कि कहाँ पर लड़की की डेड बॉडी मिली? यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर अभी यहाँ से आगे है, अपनी दुकान से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच वो डेड बॉडी स्पॉट है, जहाँ वो डेड बॉडी वहाँ उनसे निकल गई थी या छोड़ दी थी उनसे या डल गई थी उनसे। दूसरी बार आपको दिखी नहीं वो डेड बॉडी गाड़ी से? पहली बार जैसे दूसरी बार वो घूम के आई है, उस टाइम डेड बॉडी उसके नीचे है, जिस टाइम मैंने स्कूटी से उसका पीछा किया। हाँ, स्कूटी तीसरी बार आपने किया? नहीं नहीं, तीसरी बार नहीं किया मैम, दूसरी बार मैंने स्कूटी का पीछा किया। हाँ, और तीसरी बार मैंने स्कूटी छोड़ गया, अपनी बलेरो गाड़ी थी मेरे पास। हाँ, वो उस टाइम CNG डलवाने जा रहा था पहले चक्कर में, तो जिसे तीसरी बार मेरी दुकान के सामने से निकली तो मैंने बलेरो गाड़ी ली, अपने भाई से बोला इसको चला एक बार और मगर उसके नीचे डेड बॉडी है उसका पीछा कर, मैं वो ऐसे रगड़ते हुए जा रहा, हर तीसरी बार दुकान के सामने से गुजर गया। तीन बार ऐसा हुआ दीपक, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी जरा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP News, आपको रखे आगे।